जय हिंद स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम इन अवर तिरुपति इंटरनेशनल स्कूल क्लास 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी. नाउ अवर चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस एंड टॉपिक इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्लियर, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स. सो नाउ दे डिवाइडेड इन टू नेजल पैसेज, फर्स्ट स्टार्ट टू नॉस्ट्री, नेजल पैसेज एंड you can say the buccal cavity or oral cavity, trachea, then after bronchioles, okay, primary bronchioles, secondary bronchioles and tertiary bronchioles and bronchioles, clear. And now bronchioles is also converted into, you can say the divided into the small, just like the balloon like structure, that is known as the you can say the alveoli sac. Okay, so now student, is that clear? So we already discussed about what is the function of the nasal passage, what is the function of trachea, and now there are the small ring like structure that is known as the main work is the excuse me, now so it is the main function of that, the damage of this trachea tube. So avoid this damage of the trachea tube. And now this ring, that main function, uska main function kya hota hai ki uska wo ट्यूब को कॉलैप्स होने से बचाता है, क्लियर. सो नाउ यू सी इन द फेरिंग्स, लैरिंग्स, क्लियर, एंड नाउ सम बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर अकर इन द ट्रेकिया, दैट इज नॉन इन द ग्लॉटिस, एंड ग्लॉटिस ऑन द अपर साइड ऑफ द लिड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नॉन इन द इपीग्लॉटिस. सो ऑलरेडी डिस्कस अबाउट वॉट इज द मेन फंक्शन ऑफ द इपीग्लॉटिस, ग्लॉटिस, क्लियर. सो नाउ कम इन द पॉइंट एलुलाई. ओके, सो अवर लास्ट, हम लोगों ने लास्ट कर लिया था, तो अब हमारा जो टॉपिक बाकी रह गया था वो था एल्वोलाई. तो एल्वोलाई इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज दैट मीन द स्मॉल थिन ट्यूब, क्लियर. ब्लड कैपिलरीज दैट मीन स्मॉल थिन ट्यूब्स इन विच आरबीसी हैव हीमोग्लोबिन, विच इज द इम्पॉर्टेंट पिगमेंट टू डिलीवर द ऑक्सीजन. ओके, सो नो यू नो एवरीवन दैट कि हीमोग्लोबिन का वर्क क्या होता है, ठीक है. जो हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसका मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को हमारे पूरे बॉडी के अंदर सेल्स तक पहुंचाना, ठीक है. वो किसके थ्रू होगा? ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, क्लियर. ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन कहाँ से कलेक्ट करेगी? एल्वोलाई से, क्लियर. इट इज सराउंडेड, इसको ये बिल्कुल नेट टाइप से इसको सराउंड किया होता है. तो यहाँ से क्या करेगी एल्वोलाई, क्या करता है उसको ऑक्सीजन को, ब्लड कैपिलरीज क्या करेगा उसको सक करेगा, और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू या यू कैन से आरबीसीज के थ्रू वो पूरे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन के, ठीक है, बॉडी तक ऑक्सीजन वो भेजता है, ठीक है. नाउ लैरिंग्स आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स. तो लैरिंग्स दैट मींस उसके थ्रू हमारी वॉइस निकलती है, हम लोग जो बोल रहे हैं स्पीक है, तो वो लैरिंग्स के थ्रू होती है. लैरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, हैव टू वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. ओके, सो now in the respiratory system, what is the function of larynx, what is the function of that pharynx, larynx and alveoli. Okay, so now in the some important fact in our, okay, so it is a very important topic for your board examination, what is the function of respiratory system. Yeah, you can say the explain the respiratory system, how many type of respiratory system occur in our body, या you can say aerobic, anaerobic. Okay, so बेटा हमने already discuss किया था कि aerobic और anaerobic है, तो उसका मैंने पूरा path बताया था, presence of oxygen, absence of oxygen. Okay, so now next our some important points write down in this. बेटा आप लोगों को इसमें से जितने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहे, डायग्राम इज द मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द बायोलॉजी पोर्शन. ओके, सो बायोलॉजी अकॉर्डिंग अगर आप बायोलॉजी में डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करते तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, और जो एग्जामिनर से वो चेक करेगा तो उससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा. तो यू गेट गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन.
सम इम्पॉर्टेंट. ओके नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ह्यूमंस, ये बेटा हम लोगों ने ह्यूमंस बींग में जो रेस्पिरेशन की बात की थी, ठीक है. तो लंग्स होते हैं, लंग्स में दोनों लंग्स के जो स्ट्रक्चर वो अलग अलग होते हैं, ट्राई लोब होते हैं, बाई लोब होता है. ओके सो नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट. फर्स्ट द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ योर लंग्स, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेनेशन, यू कैन से इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. क्लियर, इसका एक और भी वर्ड नाम है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेलेशन नो दैट मीन्स ओ टू इनटेक इन अवर बॉडी, एंड एक्सहेलेशन दैट मीन्स सी ओ टू आउट साइड ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी से सी ओ टू को बाहर निकालना. एक्सप्लेनेशन ऑफ लंग्स is brought about by diaphragm muscles. Okay, now second point, the intake of fresh air into the lungs is called the inspiration. The intake of fresh air into the lungs, okay, into the lungs, that means fresh air intake in our body, inside the body, okay, in the lungs, is called inspiration. Okay, and elimination of air call, मतलब oxygen, CO2 outtake. एलिमिनेशन दैट मीन्स बाहर निकालना, ठीक है, सी ओ टू को बाहर निकालना एलिमिनेशन. सो दैट इज नोन एज द एक्सहेलेशन. क्लियर, ओके. सो नाउ इन दीज टू पॉइंट द कॉन्ट्रैक्शंस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ लंग्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द डायफ्राम मसल्स. तो बेटा जैसे ही लंग्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, लंग्स होते हैं लेफ्ट हैंड, उसके नीचे जस्ट लाइक द यू लाइक द रिब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज ओके. सो दैट रिंग नोन इज द डायफ्राम. क्लियर, नाउ सेकेंड पॉइंट, द इनटेक ऑफ फ्रेश एयर इन टू द लंग्स इज कॉल्ड इंस्पिरेशन. मतलब हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं फ्रेश एयर, दैट इज नोन एज इंस्पिरेशन. एंड एलिमिनेशन दैट मीन्स जो हम CO2 आउट कर रहे हैं, दैट इज नोन इज द कॉल्ड द एक्सहेलेशन. क्लियर, तो एक्सहेलेशन में कौन सी गैस आती है, CO2 आती है. इनहेलेशन वी यूज ऑक्सीजन. क्लियर, सो दैट पॉइंट क्लियर. नाउ इन अवर नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सचेंज of gases is called external respiration. External respiration and exchange occurs because of concentration या contraction भी कह सकते हैं. Okay, clear. So now the exchange of gases is called external respiration and exchange occur because of the contraction. Clear. So now in next point, the living cell of the
perform oxidation of simple food. Okay, so now already discussed in the last lecture, your last topic, I think so, digestive system, how to food convert into the simple food. क्लियर प्रेजेंस ऑफ एंजाइम स्टार्च. ठीक है, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि कैसे हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है. ठीक है, सो विच एंजाइम प्रेजेंस इन द अवर सलाइवा, सलाइवरी एमाइलेज एंड नाउ इसोफिगस, दैट इज मेन फंक्शन इन द पुश ऑफ फूड इन द स्टमक. क्लियर, एंड स्टमक्स में प्रेजेंस ऑफ HCl, बट हम लोगों ने ये डिस्कस किया था. ठीक है, ऑलरेडी डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर. सो नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, द लिविंग सेल परफॉर्म ऑक्सीडेशन. ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन. ऑक्सीजन दैट मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना, रिडक्शन दैट मीन्स हाइड्रोजन का रिमूव होना. ओके, सो इन द शॉर्ट फॉर्म यू कैन से ऑक्सीडेशन दैट मीन्स ऑक्सीजन ऐड. Okay, oxidation of simple food. Of simple food to release energy. Release energy, that means जो कि हम food ले रहे हैं, ठीक है, उससे energy release हो रही है. By which oxidation process. Clear? Oxidation की वजह से जो simple food से हमें energy requirement होती है. ठीक है, रिलीज एनर्जी कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच यूटिलाइज्ड utilized oxygen and release CO2, it occurs in cytosol. Sorry, cytosol and mitochondria. Of cells, the catabolic process is called cellular respiration. Okay, ठीक है. So now, in this, it's a very important point in this respiratory system. The living cell perform oxidation of simple food released to energy, okay, and called the aerobic respiration, which utilize oxygen and release CO2. Now it occur in the cytosol. ये reactions बेटा कहाँ होती? Cytosols and mitochondria of cells. The catabolic process is called cellular respiration. The exchange of gases. ओके, गैसेस का एक्सचेंज करना इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन. मतलब ये बेटा ऑलरेडी डिस्कस ही हमने किया था, लेकिन दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर, ओके. सो नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम टॉपिक इज फिनिश. ओके, सो नाउ इन दिस टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट फर्स्ट डायग्राम, सेकेंड difference between the aerobic respiration and aerobic respiration. Clear, and third, what is the function of alveolized sac. Clear, and how many ATP release in this aerobic respiration. Clear, I think so, 38 ATP energy release. Clear, so now this topic is finished, respiratory system, and now our next topic is transportation, that means how to blood circulate in our body. Clear, तो main बेटा function हमारे जो blood circulation वो heart करता है. ठीक है, heart pumping.
क्लियर। तो फर्स्ट उसके लिए जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन अवर न्यू टॉपिक, क्लियर। डाइजेस्टिव सिस्टम फिनिश, रेस्पिरेटरी सिस्टम फिनिश, क्लियर। नाउ अवर थर्ड टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। तो फर्स्ट राइट डाउन देयर इंट्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ is a life process in which substance synthesized or absorbed in one part of the organism is carried to the other part of its body. ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन दैट मीन्स इट इज अ लाइफ प्रोसेस, क्लियर, इन विच सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड और एब्जॉर्ब इन वन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कैरी टू द पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। मतलब बॉडी के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म को एब्जॉर्ब करके पूरे होल बॉडी तक पहुंचाना, ठीक है, क्लियर। नाउ इन ह्यूमन बींग्स दे आर द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, क्लियर। सो नाउ इन द कम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लियर। सो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बींग्स दे आर टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी, मतलब ब्लड का सर्कुलेट होना पूरे बॉडी के अंदर। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पाथ, क्लियर। फर्स्ट ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, इन ह्यूमन बींग देयर आर टू सर्कुलेटरी सिस्टम, फर्स्ट ओके। सो नाउ फर्स्ट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओके एंड सेकेंड लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, सो नाउ वी फर्स्ट डिस्कस द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ओके, तो हमारे देखो बेटा पूरे बॉडी के अंदर जैसे सपोज आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज, ये तीन है। आर्टरीज होती है थोड़ी थिक ट्यूब होती है कंपेयर देन द वेन, वेन कंपेयर देन द आर्टरी से थोड़ा सा थोड़ी सी थिन होती है एंड कैपिलरी दैट मीन्स वेरी थिन ट्यूब। ओके, सो नाउ इन अवर बॉडी दैट द ब्लड वर्थ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द थ्री टाइप्स, आर्टरीज, वेन एंड ब्लड कैपिलरीज, क्लियर। Is that clear? Okay. So now first topic we discuss blood vascular system. ठीक है, तो बेटा जैसे भी हम लोग जैसे डेली आप जो टॉपिक ले रहे हैं प्लीज आप उसका एक बार खुद उसको रीड करिए अच्छी तरह से, ठीक है, बुक के साथ में, वीडियो आपके सामने है और साथ साथ में क्वेश्चंस आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एट शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप वो तीनों कर ले दैट मीन्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया ऑलरेडी।
ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, उसके बाद वेरी शॉर्ट करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज आप ये क्लियर कीजिए तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, अंडरस्टूड, ओके। सो नाउ आवर नेक्स्ट, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। फर्स्ट, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ए वैस्कुलर सिस्टम इज दैट विच हैज ट्यूब्स फुल ऑफ फ्लूइड टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू ब्लड वेसल्स, ओके। सो नाउ ए वेस्कुलर सिस्टम इज दैट विच हैज ट्यूब्स फुल ऑफ फ्लूइड, मतलब वो जो उसकी ट्यूब होती है वो पूरी फ्लूइड फिल होगी ब्लड से, ओके। विच फ्लूइड, ब्लड, और ब्लड में कौन सा होता है पिगमेंट, हीमोग्लोबिन, क्लियर। टू बी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। अब वो किसके थ्रू, उसमें जो फ्लूड होगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस किसके थ्रू होगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरलाइन, क्लियर। फुल फ्लूड इसमें आप लिखते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो हीमोग्लोबिन या आरबीसी वॉट एवर, है ना, हीमोग्लोबिन, क्लियर। सेकेंड, ब्लड इज ए मोबाइल रेडिश कलर। ब्लड इज मोबाइल रेडिश कलर फ्लूड विच हैव प्लाज्मा विच हैव Plasma and blood corpuscles. And blood corpuscles, RBC, WBC and platelets. Okay. तो बेटा ये हमारा किससे बना होता है, RBC से, WBC से और platelets से। तो ब्लड इज मोबाइल रेडिश कलर, ब्लड का कैसा कलर होता है, मोबाइल रेडिश कलर होता है, ठीक है। फ्लूड विच हैव प्लाज्मा, उसमें ब्लड कॉर्पसल्स, मतलब यू कैन से द ब्लड कैन आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स अकर, क्लियर, ओके। सो ब्लड लुक्स रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट, हीमोग्लोबिन, क्लियर। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, सो द ब्लड कलर इज, द ब्लड इज कलर इज द रेड। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन, ओके। सो नाउ स्टूडेंट, ट्रांसफ्यूजन टॉपिक वी डिस्कस ओनली जस्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड मोबाइल रेडिश कलर एंड आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन दिस, क्लियर, ओके। सो नाउ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द सिस्टम ऑफ द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, क्लियर। सो नाउ स्टूडेंट्स, गुड बाय, थैंक यू।